हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तृप्ति शर्मा व्लॉग्स। एंड आज के व्लॉग में, आज से जो भी व्लॉग स्टार्ट होंगे उसमें हम लोग जाने वाले हैं वैष्णो देवी। तो वैष्णो देवी का वेदर कैसा है और दिल्ली टू वैष्णो देवी की ट्रिप कैसे रहेगी, वो सब मैं आपको इस व्लॉग में बताती रहूँगी। जितना भी हो पाएगा हम शूट करेंगे। और वहाँ का वेदर कैसा है, क्योंकि बरसात का मौसम है तो काफ़ी लोग जाना पसंद नहीं करते हैं और हम जा रहे हैं, तो मैं आपको वहाँ के वेदर के बारे में और वहाँ पे जो भी डिटेल्स होंगी वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और अगर आपको जाना है तो आप प्लीज़ मेरे ब्लॉग को ज़रूर देखिए, आपको बहुत काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ की होंगी वो मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में और देखते रहिए मेरे ब्लॉग। अभी हम निकलने वाले हैं यहाँ से, दिल्ली से। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑटो में, क्योंकि पुरानी दिल्ली से हमारी ट्रेन है, तो वहाँ पे जाके मैं जो भी होगा वो शूट करूँगी। तो चलते हैं, चलिए जय माता दी, शुरू करते हैं अपनी वैष्णो देवी की यात्रा। और भाई अभी चल रहा है हमारा वेट, कैब बुक की है और कैब वाले ना इतना परेशान करते हैं कि पहले हमने बुक की थी तो उसने बोला था 10 मिनट में आने वाला है, बट हमें 15 मिनट हो गए हैं वेट करते हुए, उसका अभी कोई अता पता नहीं है। अब उसको कैंसिल करके दूसरी की है, पता नहीं अब कैब आएगी या नहीं आएगी या ऑटो में जाना पड़ेगा, देखते हैं। लेट्स सी, वो यही देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो जो भी होगा मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो काफ़ी इंतज़ार करने के बाद हमारी फाइनली यहाँ पर आ गई है कैब, जिसमें हम बैठ के जा रहे हैं। और हमारी ट्रेन थी जम्मू तभी, जो हमें मिलने वाली थी पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर। तो हम लोग पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ही जा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने बच्चों को सिर्फ नाइट सूट पहनाया है रात के लिए, क्योंकि मैंने सोचा था ट्रेन में हो सकता है बच्चों को मच्छर वगैरह लगे या हो सकता है वहाँ का वेदर थोड़ा चेंज हो, तो इसलिए मैंने उनको नाइट सूट ही पहना दिया था। लेकिन बच्चों को काफ़ी अजीब लग रहा था, बट फिर भी मैंने सहूलत के लिए उन्हें पहना ही दिया था। और रास्ते में जाते जाते बच्चों के ऊटपटांग क्वेश्चनों के आंसर देते हुए जाना पड़ रहा था। मैंने मेरे बेटे को बोला कि ये ISBT है और यहाँ पे सभी जगह की बसेस मिल जाती हैं, तो मेरे बेटे का आंसर आता है मम्मा यहाँ से चाइना की भी बस मिलती है। ये ऊटपटांग क्वेश्चंस, यही क्वेश्चन चलते रहते हैं बच्चों के। और हम पहुँच गए हैं रेलवे स्टेशन। हट जा, वहाँ पे ज़्यादा वीडियो होती है ना, कौन बंदर ही लेगा। बंदर भी है वहाँ, लंगूर है वहाँ, बंदर लंगूर सभी है। ओए जो बच्चों का भी ध्यान देख ले। और ये अब हम आ गए हैं ट्रेन में, और ट्रेन में ये हमारा प्यारा सा छोटा सा सबसे छोटा बेबी, और उसको दवाई देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि दवाई सभी बच्चों की हम लेके गए थे, तो वही बस ये दवाई पी रहे हैं और अभी सीट पे लेटे हुए हैं। क्योंकि ये लोग आए थे गाजियाबाद से, तो ये थोड़ा सा हो गए थे लेट, और बच्चा गोद में हो जाता है परेशान, इसलिए ये सीट पर लेट के रिलैक्स कर रहा है, फुल टू मज़े कर रहा है। अभी अभी इसको बहुत अच्छा लग रहा है सीट पर लेट के, और बच्चों को बच्चा मिल गया खिलाने के लिए तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ट्रेन में बच्चों के बहुत ज़्यादा अच्छा मज़ा आ रहा है, बच्चों को नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है कि ये चीज़ यहाँ कैसे, ये चीज़ यहाँ कैसे, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था ट्रेन में बच्चे बैठे थे तो बहुत छोटे थे, अब बैठे हैं तो थोड़े बड़े हुए हैं, तो कुछ के क्वेश्चन तो चलते ही रहते हैं, क्या है क्यों है कैसे है। लगा उसके सर में लगा। हेलो कुंजू, गिरा ना यहाँ से। क्या करना है? गुड नाइट। नहीं चॉकलेट वो खाती नहीं। आंटी जी और वीडियो बना दो। अरे बाबा थोड़ा चैनल को ना और गांव है आप कोने बैठे हैं फुल लिए हां इधर हम तो ना उंगली को लो मार्केट मारे ले। तुमने सीट चेंज कर ली ना अपने, उससे पहले बना ली दोबारा इस सीट को। अरे हेलो 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 ग्रुप, यहाँ सोएगा सोएगा यही
ऊपर जाके पैसे तो ले ले, पैसे ना ना पैसे दे दो। और यहाँ से शुरू हो जाता है जम्मू से कटरा का सफ़र। और यहाँ की सुंदर सुंदर वादियाँ देख के ही आप लोगों को, जो भीड़ भाड़ वाली जगह से लोग जाते हैं ना, तो ये वादियाँ और ये नेचर देख के उनको बहुत दिल को सुकून मिलता है। ये बात सीरियसली बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, सभी लोगों को अपनी तरफ खींचती है। और ये देखिए ये छोटा सा बेबी, ये बेचारा सुबह सुबह, इसको सर्दी लगी है क्योंकि गाड़ी में एसी चल रहा था तो इसलिए इसको कवर्ड कर रखा था पूरा पूरा। और बच्चों ने इसकी रेल बना रखी थी, कोई इधर से खींच रहा था कोई उधर से खींच रहा था, तो इस चक्कर में ये बेचारा थोड़ा सा परेशान भी हो रहा था। और यहाँ पे बच्चे लगे हुए हैं अपने ऐसे ही पूछने में कि भाई कब आएगा, कब पहुँचेंगे, कब पहुँचेंगे। दीदी। एंड यहाँ पे पहुँच चुके हैं हम अपने होटल में। तो होटल में अभी रूम, क्योंकि 12 o'clock चेकिंग का टाइम होता है, तो अभी हम जल्दी पहुँच गए थे तो इसलिए वो रूम वगैरह की सफाई चल रही थी, तो हम सब लोग बाहर ही वेट कर रहे थे। और यहाँ पे आपको जितने भी लोग नज़र आ रहे हैं वो सब हमारे ही ग्रुप के बंदे थे। हम बहुत सारे ग्रुप में गए थे, हमारा 41 to 45 के करीब बंदों का ग्रुप था जिसमें हम लोग यात्रा करने गए थे, और वाकई में बहुत अच्छा लगा। और ट्रेन की हालत से बाहर निकल के देख सकते हैं पसीना कितना आ रहा है, और हालत सभी की ख़राब हो चुकी है क्योंकि पूरा रात भर की ट्रेन में बैठे बैठे सभी की हालत बुरी हो चुकी थी। यहाँ पे सब वेट कर रहे थे बस जैसे तैसे रूम मिले और रूम में जाके फ्रेश हों, नहाए धोए और अपना कार्यक्रम जो है आगे का स्टार्ट करें, अपना प्रोग्राम सेट करें, कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है वगैरह वगैरह। एंड यहाँ पे मिल चुका है हमें हमारा रूम, और यहाँ पे हम नहा धोकर, अपना बंदे नहा रहे थे और जो नहा चुके थे वो अपना बैग लगा रहे थे कि ऊपर भवन पे जाने के लिए, वहाँ पे नहा के अपने कपड़े पैक कर रहे थे कि वहाँ पे नहा के आने के लिए कौन से कपड़े पहनने हैं, बच्चों के क्या कपड़े रखने हैं, तो सब उसी पैकिंग में अपने में लगे हुए थे कि क्या क्या रख के लेके जाना है, क्योंकि चढ़ाई करते हुए जितना हल्का वेट आप लेके जाओगे उतना ही अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है वेट लेके चढ़ाई करना, बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको और भी इन्फॉर्मेशन दूँगी।